बहादुर फैंटम इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है और वो यहाँ है मेरे स्कूल में शूटिंग के लिए और उस फिल्म में मैं भी हूँ। ख्याल रख रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर के हार्ट का। ओ हाँ, और इन सारी लड़कियों को भी झेल रहा हूँ। झेलते झेलते इन जैसा ही ना हो जाऊं। पर पता है आज का दिन स्पेशल क्यों है? आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि फैंग को भी रोल मिला है। तालियां बजाओ, फैंग को मार्स से आए मैन ईटिंग हैमस्टर का रोल मिल गया है। ये ऑल द बेस्ट फैंग। क्या करेंगे? मुझे भी ऑल द बेस्ट बोलो, मैं जा रही हूँ। तुम्हें कोई हीरोइन बन रही हो क्या? फिल्म स्टार से बात करनी भी नहीं आती गधे कहीं के। ध्यान दीजिए, वो सभी आम लोग जो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म से जुड़े हुए नहीं है, प्लीज अभी के अभी यहाँ से बाहर हो जाओ। एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे जाना होगा। हे हेनरी, कैसे हो यार? बहादुर फैंटम, आप कैसे हैं? आपको इस सीन में होना चाहिए था ना? होना तो था। तो फिर आप यहाँ क्यों हैं और वहाँ क्यों नहीं? ओ, मेरे जैसा सुपरस्टार हर किसी के साथ काम नहीं करता। क्या मतलब आपका? वो ऐसा है ना छोटे, कि जब हम फेमस हो जाते हैं हम हर किसी के साथ एक्टिंग नहीं कर सकते। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा, ये कुछ अजीब नहीं है मिस्टर फैंटम? आम लोगों के लिए। हाँ, शायद होता होगा, पर मुझे इन छोटे मोटे लोगों से क्या। मैं चला अपनी एसी वाली वैनिटी में आराम करने जब तक कि मेरा इम्पोर्टेंट सीन नहीं आता। ओके। ओ हेनरी, बाद में मेरा नया वीडियो गेम देखने आना। मैंने इन लोगों से कहकर नया कंप्यूटर मंगवाया है और अब मैं खुद से ही लड़ाई करता हूँ। बहादुर वर्सेस बहादुर। कूल हाँ? हाँ, बहुत ही कूल है बहादुर। पता लगाते हैं क्या चल रहा है। मैं बता चुकी हूँ कि मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ और तुम मुझे मुन्नी बेबी कहना बंद करो। ठीक है, मैं समझ गया। चलो एक बार और करते हैं, शुरू करें। स्वीट हार्ट। मैं तैयार हूँ अपने रोल के लिए हरी टोपी वाले असिस्टेंट डायरेक्टर। और एक्शन। क्या कोई किसी प्रॉब्लम में है? हाँ, मैं प्रॉब्लम हूँ, मतलब मैं प्रॉब्लम में हूँ। बेचारी बेसहारा अकेली जिसे बांध दिया है इस रॉकेट से, एक ऐसा रॉकेट जो किसी भी पल उठ सकता है यूनिवर्स। कहाँ है वो? मैं उसे कहीं नहीं देख सकता। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। क्या मेरी पुकार कोई नहीं सुनेगा? बकवास, कौन लिखता है ऐसे फालतू डायलॉग्स? वो लिखते हैं। ओ, पर ये फिर भी बकवास है। क्या तुम एक बार और करोगी? ओ, जो लास्ट टाइम किया था उसमें क्या गड़बड़ थी? ओ, कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही एक बार और करवाना चाहते हैं। तुम जा सकती हो। तुम क्या? मैंने कहा तुम जाओ। नहीं, तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं खुद ही जा रही हूँ। फैंग ठीक ठाक रहे। नेक्स्ट। हाय हेनरी। क्या आप भी फिल्म में काम करेंगे? लगता तो यही है हेनरी, मुझे बचपन से ही फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था।
शायद वो शौक पूरा होगा। मैंने कहा नेक्स्ट। ओह जाना होगा, मेरा कमाल देखना। क्या हुआ सर? उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं आया। इसका क्या मतलब है? उन्हें मुझ जैसे छोटे आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है। बकवास है, मेरा मतलब ये कोई बात नहीं हुई सर। कोई बात नहीं हेनरी, पता नहीं ये क्या चाहते हैं। ओह, सोचा तो था हीरो बनूंगा, लेकिन कभी कभी वो सारी चीजें हमें नहीं मिलती। फिर मिलते हैं हेनरी। ओके बाय बाय सर। मुझे तो फैन की चिंता हो रही है। फैन, क्या हुआ? इसे भी निकाल दिया गया है। क्या? क्यों? उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कहूं कि इसे निकाल दिया गया है क्योंकि ये बात नहीं कर सकता। ये क्या बकवास है, जानवर बात नहीं कर सकते। हाँ, इसे इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि हमें कम खाने वाला हैमस्टर मिल गया है। क्या? फिल्म में फैंग एक मैन ईटिंग हैमस्टर बना है, तो अब खाना तो खाएगा ही ना? हाँ मुझे पता है बच्चे, एक्चुअली हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंट हैट खरीदनी है, तो पैसे तो बचाने ही पड़ेंगे। अच्छा अब समझा, इसलिए इसकी बजाय दूसरे को लाया गया जो कम खाता है। अब तुम पूरी बात समझ गए बच्चे। इसे ले लूं मैं? ले लूं? हाँ, बेचारा बहुत ही दुखी है। I'm sorry, Fang. मुझे लगा था मजा आएगा यार। चलो उस दूसरे हैमस्टर को देखकर आते हैं। हेलो मिस। रोजबर्ड, तुम्हारा नाम रोजबर्ड है? तुम तो पढ़ भी सकते हो। बाहर निकालने का टाइम आ गया है। हाँ ये तो है। उस लड़की में प्रॉब्लम क्या थी? पर उसकी हाइट आधे इंच से ज्यादा थी। हाइट आधे इंच से ज्यादा थी? और दूसरा वाला आदमी लंबी नाक। लंबी नाक? हाँ, उन्होंने कहा उसकी नाक कुछ ज्यादा ही लंबी है। क्या? वो बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्टर हैं, तो वो जो बोलेंगे वही होगा। हाँ, वो कहते हैं हीरो के दोस्त का रोल वो खुद करेंगे। टू मच हो गया। हाँ सही है, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो वहाँ जाकर बोले। चलो जल्दी वापस चले, नहीं तो पता चला हमें भी निकाल दिया गया। अब मैं समझा, उन्होंने हाइट के कारण मार्गरेट को निकाला और अंकल को उनकी नाक के कारण और तुम्हें पेटू होने के कारण। फैंग, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? अब आएगा मजा। ये छोटे मोटे लोग कहाँ गए? हेलो मेरे फैंस, आप वापस आ सकते हो। कैमरा रोल एक्शन। क्या तुमने भी कुछ सुना? ओह ये तो वही आदमी है। तुम और तुम्हारे बाकी लूजर दोस्त कभी फिल्म स्टार नहीं बन सकते। समझो तो अच्छा है। टेक टू। यहाँ क्या करने आए हो तुम सब? टेक थ्री। ये तो मैन ईटिंग हैमस्टर है।
ओह नो, ये तो सच में मैन ईटिंग हैमस्टर है। ओह नो, ये मैं कहाँ फंस गया? अरे बैक्शन! भागो, बचाओ मुझे! वाह, मजा आ गया, वो चले गए। And the end.